नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक बहुत ही बड़ी, एक तरह से बोला जाए, योगी जी ने बोला है कि एक बात कि 16 लाख वैकेंसी जो है हम साल में देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। अब मेन ये है कि बाबा जी ने कितने 16 लाख वैकेंसी जो है हर साल दे दिए हैं, अब हमें तो पता नहीं है। पता चले इस अखबार वाले में क्या पता है क्या नहीं। तो जैसा क्या बोला गया है कि कितने नौकरी इन्होंने दिया है और कितनी ये देने वाले हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा की गई। आप लोगों को ये पेपर कटिंग दिख रहा होगा, इसमें बात की गई है कि यूपी में हर साल 16 लाख नौकरियां का लक्ष्य है, ये योगी जी ने कहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए क्या बोला गया है मुख्यमंत्री ने। ये बात कब कही, जब आपका एनम की जो भर्ती है उसका नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था शायद, और जो एसजीपीजीआई में जो चयनित नर्स थी उनका जो नियुक्ति पत्र दिया गया है। हाँ, एसजीपीजीआई वाला जो नियुक्ति पत्र है, क्योंकि इस समय इन्होंने एनम वाला भी नियुक्ति पत्र दिया और एसजीपीजीआई वाला भी दिया है। उसी समय इन्होंने बोला कि अब करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका महत्व किसी भी स्थिति में डॉक्टरों से कम नहीं है। मतलब उनके बारे में बोला गया है, चिकित्सकों के मार्गदर्शन में नर्सिंग स्टाफ मरीज के साथ अपने व्यवहार और सेवा के माध्यम से आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। कोई नहीं उठा सकता नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल। सीएम ने कहा है कि आज पर जनपद में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है। मिशन निर्मया के अंतर्गत अक्टूबर 2022 से शुरू कार्यक्रम अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। 6 साल से 6 लाख सरकारी नियुक्तियां की जा चुकी हैं। पिछले 6 वर्षों के दौरान हर वर्ष 12 से 15 लाख निजी क्षेत्र में नौकरियों की संभावनाओं को विकसित किया गया है। 2017 में जब हम आए थे तब यूपी में बेरोजगारी दर 19 के आसपास थी, आज 3 और 4% के बीच है। क्या ये सही है, जो 19 दर थी वो क्या 3% और 4% है? आखिर ये 3-4% किस में है, सिर्फ आंकड़ों में है या सामने से है? सामने से तो हमें नहीं लगता है। किसको लगता है, कैसे लगता है कि ये सिर्फ 3-4% हो गया है? किस हिसाब से 3-4% हो गया है, अब पता नहीं कैसे ये 19 से 3-4% कर दिया गया है। ठीक है, वही हमने पारदर्शी तरीके से हर नौकरी, ये बोला गया पारदर्शी तरीके से। अभी अगर हम बात करें एसआई की जो भर्ती हुई थी उसमें सब कुछ पता है, सब कुछ क्लियर है, उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया। कई ऐसी वैकेंसियां हैं जिसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है लेकिन फिर भी वो पारदर्शी होता है, उसी को पारदर्शी बोलते हैं। अब क्या कहा जाए, ठीक है। हर व्यक्ति को नौकरी की संभावनाओं से जोड़ने के काम किया है। 6 वर्षों में हमने पुलिस विभाग में 1,64,000 से अधिक नियुक्तियां की है। कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा सकता, हाँ कोई नहीं उठा सकता, सब पारदर्शी तरीके से हुआ है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, एकदम सब कुछ, किसी में कुछ भी नहीं हुआ, सभी जानते हैं, बहुत ही सही तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराया गया है, ये आपका कहना है। और यहां पर जो बेरोजगारी दर है वो 19% से सीधे सीधे 2 और 3% के आसपास आ गया है, बहुत बेहतरीन। अब उत्तम प्रदेश बन रहा है आपका। वर्ष 2017 से जून 2022 तक दी गई नौकरियां जो अगर हम बात करें, 17 से 22 में नौकरी जो दी गई है वो आपके लोक सेवा आयोग में 40,000, यूपीएसएसएस में अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो 19,853, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 5,185, माध्यमिक शिक्षा में 33,492, विद्युत सेवा आयोग में 7,975, पुलिस भर्ती 1,53,965 और बेसिक शिक्षा विभाग में 1,20,554। टोटल 3,81,754 वैकेंसी इन्होंने 17 से 22 में दी है। और अब बोला जा रहा है कि 16 लाख एक क्या देंगे, एक साल में देंगे। और वो 16 लाख में बोला गया, सीएम ने कहा 1 लाख सरकारी नौकरी होगी और 15 लाख नौकरी निजी क्षेत्र में देंगे। अब 15 लाख नौकरी निजी क्षेत्र का हम बता दे रहा है, ये कहते हैं रोजगार मेला लगाएंगे, ठीक है। 1 लाख नौकरी बोल रहे हैं कि सिर्फ सरकारी रहेगी, और रोजगार मेला में भैया जो बंदा अगर उसे 30,000 की जरूरत है उसे खर्चा उठाने के लिए, उसको कितनी सैलरी दी जाएगी, 9,000 की सैलरी दी जाएगी। ये है रोजगार, इसको रोजगार कहा जा रहा है। ये 9,000 रुपया, जिस बंदे को 30,000 की जरूरत है उसे 9,000 दिया जा रहा है, ये रोजगार है।
ठीक है, तो वो किताबों में रोजगार दिया गया है इसके, रोजगार मेला में जाइए तो आपको क्या 7,000, 6,000, 7,000 की ये नौकरी मिलती है। जो आपके जो आउटसोर्सिंग वाले कार्य हैं उसको तो सब कुछ आपका प्राइवेट कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये जो 30,000 जिसको एक वही वर्ग जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर में है वही काम कर रहा हो उसको 30,000 की सैलरी है, और वही आउटसोर्सिंग वाले बंदे की सैलरी 7,000 से 8,000 रुपया है। ठीक है, तो यही 15 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, टोटल 16 लाख होगा, 15 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि अब आप लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढिए, समझ रहे हो, अगर साल में 15 लाख नौकरी निजी क्षेत्र में देंगे और 1 लाख सरकारी में देंगे तो आपका, आप समझदार हो, और समझदार पढ़े लिखे समझदार हो, ऐसे नहीं है, आप समझदार हो कि आपको कहां जाना है, कहां नौकरी ढूंढना है, आप चीजों को देख सकते हैं। 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक, ठीक है, लक्ष्य रखा गया है लोक सेवा में 4527 पोस्ट, यूपी ट्रिपल एससी में 20,060 पोस्ट, उत्तर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 958, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन के बाद, अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गठन के बाद 4795 वैकेंसी, और विद्युत सेवा आयोग में 255, और पुलिस भर्ती में 41,028 कहाँ है कुछ पता नहीं है, इनका टेंडर कहाँ है कुछ भी, अगर कुछ भी क्लियर नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो कहीं भी आपको शिक्षा भर्ती की बात नहीं किया गया है, अगर हम बात करें जो सुपर टेट है यहाँ पर इनको कहीं भी दिखाया नहीं गया है कि 2023 दिसंबर 2023 तक आपको सुपर टेट का इनका कोई लक्ष्य है टीचर वैकेंसी में। बाकी आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन के बाद सिर्फ 4795 है, वो क्या है क्या नहीं है, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 958 है, तो ओवरऑल अभी यहाँ पे जो वैकेंसी है वो यही है, सबसे ज्यादा पुलिस में आने वाली है, लेकिन उसकी प्रक्रिया में अभी टेंडर खेला जा रहा है, टेंडर, ठीक है, जो 1.5 साल से एग्जाम नहीं हुआ है उसमें अभी टेंडर चल रहा है, तो इन नए वालों में क्या होगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या है, कितने पारदर्शी तरीके से आपको नौकरी दी जा रही है। आप सरकारी नौकरियों की तैयारी करिए, साल भर में 16 लाख नौकरी देंगे योगी सरकार, साफ साफ इतने बड़े बड़े हेडलाइन में लिखा गया है, जिसमें से 15 लाख नौकरी जो है आपके प्राइवेट सेक्टर में होगा। ठीक है, तो 15 लाख जो नौकरी प्राइवेट सेक्टर में है उसकी सैलरी तो बताए नहीं है आपको, नौकरी बताए हैं कि हम इतना नौकरी देंगे। ठीक है, अब उस नौकरी में अब पता नहीं कि एक लोगों की दवा भी हो पाएगी घर में, अगर कोई एक मरीज भी है तो उसकी दवा भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उस 15 लाख के जो सैलरी होगी चाहे जो भी चीजें होंगी वो अब भगवान जाने। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं जैसे चल रही हैं, आप लोग को मैं और क्या बोलूं कि आप लोग तैयारी करते रहिए, जिस भी सेक्टर में हैं जो भी चीजें आप पकड़े हैं तो आप अच्छे से उसमें लगिए, मेहनत करिए, आप देख सकते हैं चीजों को कि आपके सामने कैसे हो रही हैं और कितना मेहनत आपको लगेगा अगर एक सरकारी नौकरी लेनी है, एक सीट आपको करना है तो वो पारदर्शी तरीके से आपको नौकरी पानी है। ठीक है, वो भी 1 लाख वैकेंसी साल भर में आएगी, वो भी उसमें भी कुछ अलग अलग ट्रेड के रहेंगे, तो उसमें आपको एक सीट पक्का करना है, तो आप समझ सकते हो कि आपको मेहनत करना है, किस लेवल पे मेहनत करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद ही जान गए होंगे अभी तक जितना भी यूपी में गवर्नमेंट जॉब है उसके रवैया को देखकर। ठीक है, तो भैया समय कभी भी मत आप लोग अपना वेस्ट करना। ठीक है, जो भी है आप हर समय मेहनत करते रहो, मेहनत ही आपको कामयाब बना सकता, बाकी और कुछ नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए, जो भी और दिक्कतें होंगी समस्याएं आपकी होंगी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ऐसे ऐसे खबरें सुनकर मेरा खुद ही दिल जो है एक बार आने को मन नहीं करता है, लेकिन यहां पर बताता हूं कि हाँ कितने सही तरीके से सरकार आप लोगों के पक्ष में काम कर रही है, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैं किस मायने में बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो भी समस्या है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।